सूर्य देव के पांच सबसे शक्तिशाली पुत्र जिन्हें संसार में श्रेष्ठ माना गया है, जिनमें से नंबर एक की शक्ति को जानोगे तो हैरान हो जाओगे। तो आखिर कौन है सूर्य देव के पांच सबसे शक्तिशाली पुत्र, और आखिर कौन है इनमें से सबसे शक्तिशाली और सर्वश्रेष्ठ? सूर्य देव जो पूरे संसार को अपने प्रकाश से रोशन करते हैं, उन्हें नौ ग्रहों में से सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त है, इसीलिए वह नौ ग्रहों के राजा कहे जाते हैं। वैसे ही सूर्य देव के यह पांच पुत्र संसार के कार्य में हैं। भगवान शिव ने इन्हें अपने अपने अलग अलग कार्य दिए हैं। दोस्तों, क्या आप नहीं जानते सूर्य देव के पांच सबसे शक्तिशाली पुत्रों के बारे में, और इनमें सबसे शक्तिशाली और सर्वश्रेष्ठ किसे माना जाता है? वैसे तो सूर्य देव की दो पत्नियां हैं, जिनमें से एक का नाम संध्या और एक का नाम छाया है। उन्हीं में से सूर्य देव की पांच संतानों के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें और वीडियो बनाने में हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि हम नई नई रहस्यमय जानकारियां आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए जानते हैं सूर्य देव के पांच ऐसे पुत्रों के बारे में जिन्होंने द्वापर युग, त्रेता युग और अभी कलयुग में भी अपना दबदबा बनाया हुआ है। अश्विनी कुमार। हिंदू धर्म के देवताओं में अश्विनी कुमार चिकित्सा विद्या और आयुर्वेद में निपुण माने जाते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार विश्वकर्मा की पुत्री संध्या का विवाह सूर्य देव से हुआ था, और संध्या सूर्य देव की प्रचंड अग्नि और तेज से काफी परेशान रहने लगी थी। हालांकि संध्या ने शादी के पश्चात व्यवस्थित मुनि यमी को जन्म दिया था, लेकिन अभी भी वह सूर्य देव के प्रचंड तेज से परेशान थी। इसीलिए देवी संध्या सूर्य देव के तेज को सहन करने के लिए तपस्या करने चली गई। सूर्य देव को इसके बारे में नहीं पता था, इसीलिए उन्होंने अपनी छाया को वही महल में छोड़ दिया और खुद तपस्या करने चली गई। कहते हैं कि देवताओं से कुछ नहीं छुपा होता, इसीलिए ऐसे में जब सूर्य देव को छाया पर शक हुआ तो उन्होंने छाया से सब कुछ पूछा और छाया ने सब कुछ उन्हें बता दिया। तब सूर्य देव ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि संध्या तपस्या कर रही है। फिर सूर्य देव अपने ससुर विश्वकर्मा के पास गए और अपना तेज कम करवा लिया, और फिर वह संध्या के पास पहुँचे और वहीं पर उनके साथ मिलन किया, जिससे उन्हें तीन संतान प्राप्त हुई, जिनमें से दो अश्विनी कुमार और एक रेवती। अश्विनी कुमार को चिकित्सा का देवता माना जाता है। उन्होंने महाभारत में माधुरी के आवाहन पर नकुल और सहदेव जैसे पुत्र प्राप्त कराए थे। अश्विनी कुमार सहकाल में रथ पर बैठकर ब्रह्मांड के परिक्रमा करते रहते हैं। ऋग्वेद में अश्विनी कुमारों का उल्लेख 50 से ज्यादा रचनाओं में किया गया है, लगभग 398 बार किया गया है। अश्विनी कुमार कुमारी लड़कियों को अच्छा पति, अंधों को नेत्र और वृद्धों को कुमारे देने के लिए बनाया गया है। अब बात करते हैं सूर्य देव के अगले पुत्र की, जो कि सूर्य पुत्र कर्ण है। महाभारत में जिन्हें महारथी सूर्य पुत्र कर्ण माना जाता है, ऋषि दुर्वासा के वरदान को परखने के लिए कुंती ने सूर्य देव का आवाहन किया, जिससे उन्हें कर्ण की प्राप्ति हुई। ऐसे तो कर्ण को सूर्य देव का पुत्र माना जाता है, लेकिन कर्ण का जन्म कुंती और पांडु के विवाह से पहले ही हुआ था, और उस समय कुंती कुंवारी थी, इसीलिए उन्होंने लोक लाज के कारण कर्ण को गंगा जी में बहा दिया था। वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत में आप कर्ण की छवि को विस्तार से समझ सकते हैं। महाभारत में कर्ण को कुंडल और कवच के साथ में अजय शक्तिशाली योद्धा माना गया है। कर्ण को महाभारत काल का सबसे बड़ा महादानी भी माना जाता है। वह एक श्रेष्ठ योद्धा थे, इसीलिए भगवान परशुराम ने, जो कि कर्ण के गुरु माने जाते हैं, उन्होंने कर्ण को महाभारत का सबसे बड़ा योद्धा घोषित किया है और साथ ही साथ बेहद शक्तिशाली बनाया था, और यहाँ तक कर्ण को परशुराम जी अपना सर्वश्रेष्ठ शिष्य भी मानते थे। केवल इतना ही नहीं, कर्ण ने एक बार युद्ध में इंद्र को भी परास्त किया था,
कर्ण को परशुराम के दिए गए कई अस्त्रों शास्त्रों का ज्ञान था। वेद व्यास की महाभारत में व्याख्या करते हुए कर्ण के बारे में लिखा हुआ है कि कर्ण को अपने हिस्से का अधिकार उसे कभी भी नहीं मिला। वास्तव में हस्तिनापुर की गद्दी के वारिस कोई और नहीं बल्कि कर्ण ही थे, किंतु कर्ण ने अपनी मित्रता निभाने के लिए अधर्म का साथ दिया था। महाभारत के सबसे बड़े नायक और सबसे बड़े धनुषधारी और सबसे श्रेष्ठ पुरुष कर्ण ही माने जाते हैं। अब बात करते हैं सूर्य देव के अगले पुत्र की। अब अगले नंबर पर आते हैं सुग्रीव, सूर्य देव के शक्तिशाली पुत्र सुग्रीव। इस बात को भी बहुत से कम लोग जानते हैं। दरअसल सुग्रीव जामवंत और सूर्य देव के पुत्र माने जाते हैं। इनके जन्म की कथा बहुत ही रोचक है। कहते हैं जामवंत ऋषि कुल सत्य के छोटे भाई थे। इन्हें अपने बल का बहुत घमंड था और ऋषि कुल सत्य ने आजीवन ब्रह्मचार्य का वचन ले लिया था, इसीलिए वे स्त्रियों से दूर रहते थे। उनके आश्रम में कोई भी स्त्री प्रवेश नहीं कर पाती थी। उनके राज्य किष्किंधा के पास एक पंपा नामक सरोवर था। जामवंत को यह पता नहीं था कि उस सरोवर को वरदान प्राप्त था कि उसमें जो भी गिरेगा वह स्त्री बन जाएगा। अपनी उद्दंडता के कारण जामवंत जी उस सरोवर में गिर गए और एक सुंदर स्त्री बनकर बाहर आए, और तब जामवंत जी जामवंती बन चुके थे। जब सूर्य देव की नजर जामवंती पर पड़ी तो वह उनके रूप से बड़े ही मोहित हुए और उनके साथ संभोग से ही सुग्रीव पैदा हुए। सुग्रीव बल में जामवंत की तरह ही बलशाली थे। रामायण में सुग्रीव की एक अहम भूमिका मानी जाती है। जब आप रामायण का किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और साथ में लंका कांड पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि श्री राम और सुग्रीव बड़े ही घनिष्ठ मित्र थे, और उनकी मित्रता को निभाने के लिए ही प्रभु श्री राम ने उनके भाई बाली को छल से मारा था। सुग्रीव इतने बलशाली थे कि रावण के साथ युद्ध में उनका मुकुट भी गिरा दिया था, जिसका उल्लेख आप वाल्मीकि की रामायण में बारीकी से पढ़ सकते हैं। सुग्रीव के पास बल की कोई कमी नहीं थी और यह कर्ण के समान ही बलशाली माने जाते हैं। बाद में इन्होंने किष्किंधा पर राज किया और वानर सेना के साथ माता सीता का पता लगाने के लिए भगवान श्री राम की मदद की। अब बात करते हैं सूर्य देव के अगले पुत्र की, जो कि कोई और नहीं बल्कि शनि देव हैं। स्कंद पुराण के काशी खंड में उल्लेख है कि सूर्य देव और उनकी पत्नी संध्या की छाया के पुत्र हैं। वही छाया जिन्हें संध्या अपनी अनुपस्थिति में महल में छोड़ गई थी। शनि देव की माता छाया होने के कारण उनका रंग काला है। सूर्य देव प्रकाश फैलाने वाले देवता हैं और शनि देव के नीरमणि होने की वजह से वह हमेशा उनसे रुष्ट रहते थे। शनि देव हमेशा से ही क्रोधी स्वभाव के थे और उनका वाहन भी कौवा था। काशी कांड में उल्लेख है कि जब शनि देव छाया के गर्भ में थे तब छाया ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। धूप और गर्मी सहने के कारण गर्भ में पल रहे संतान पर इसका प्रभाव फैलने लगा और शनि देव का रंग काला पड़ गया। सूर्य देव को इस बात पर संदेह था कि शनि देव उनके पुत्र हैं, इसीलिए उन्होंने छाया का अपमान भी किया। शनि देव ने अपनी माँ के गर्भ में ही उनकी तपोशक्ति प्राप्त कर ली थी, इसीलिए शनि देव ने अपनी माँ का अपमान सहन नहीं किया और क्रोध में आकर सूर्य देव को देखा तो सूर्य देव काले पड़ गए और कुष्ठ रोग हो गया। एक बार उन्होंने अपने पिता का महल भी जला दिया था और बचपन से ही उन्होंने महादेव की तपस्या की थी। शनि देव की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें वरदान दिया था कि वह कर्म फल देवता बनेंगे और 9 ग्रहों में उनका एक स्थान होगा। वह अपनी शक्ति से राजा को रंग और रंग को राजा बना देंगे। कलयुग में न केवल मनुष्य बल्कि देवताओं का भी अच्छे और बुरे कर्मों का दंड भी वही देंगे। इसीलिए तो अच्छे से अच्छे देवता भी शनि देव की वक्र दृष्टि से डरते हैं। अब बात करते हैं सूर्य देव के अंतिम पुत्र की, जो कि वह कोई और नहीं बल्कि यमराज हैं। यमदेव सूर्य देव की पत्नी और सूर्य देव के सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे। भगवान सूर्य देव के पुत्र होने के कारण
अपने पिता सूर्यदेव की तरह ये नियमित हैं, जैसे कि अनंत काल तक कार्य करते रहना, नियमित कार्य करना, नीति नियम से चलना और हमेशा धर्म का साथ देना। इसीलिए उन्हें धर्मराज भी कहा जाता है। आमतौर पर तो यमराज को मृत्यु का देवता माना जाता है। यमराज मनुष्य के मरने के बाद उनके कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं और कर्मों के हिसाब से स्वर्ग और नरक भेजते हैं। साथ में ही वह आत्मलोक का भी संचार करते हैं। जब तक आत्मा पुनर्जन्म नहीं ले लेती तब तक वह यमराज के अधिपत्य में ही रहती है। अगर पौराणिक कथाओं के बारे में जाने तो यहाँ यमराज संध्या के पुत्र थे, वही शनिदेव संध्या की छाया के पुत्र थे। इन दोनों के पिता सूर्य देव ही थे, किंतु माता अलग अलग थी। एक बार दोनों में अपनी अपनी माता के सम्मान के लिए युद्ध भी किया था। कई महीनों तक यमराज और शनिदेव का जब युद्ध चल रहा था तब अंत में शनिदेव ने महादेव के दिए गए अस्त्र से यमराज को मृत्यु समान मूर्छित कर दिया था। लेकिन यमराज की इस हालत को देखकर सूर्यदेव की दोनों पत्नियां संध्या और छाया व्याकुल हो गई। फिर उन्होंने महादेव का आवाहन किया और यमराज को पुनः स्वस्थ करने का निवेदन किया, लेकिन महादेव ने यमराज को पुनः स्वस्थ करने से मना कर दिया। तब शनिदेव ने महादेव से कहा कि यमराज देवताओं के पुत्र हैं, लेकिन उन्हें ना तो कोई दिव्य शक्तियां मिली थी और ना तो उन्होंने अमृत पान किया था, जिस वजह से आज वह इस हालत में है। और उस समय भगवान विष्णु और महादेव मृत्यु के देवता का चयन करने वाले थे, जिसका आधार मृत्यु के चक्र को पूरा करना था। तब महादेव ने कहा, यमराज ने मृत्यु के चक्र को सबसे पहले पूरा किया है, इसीलिए ना कि इन्हें स्वस्थ होना जरूरी है बल्कि उन्हें मृत्यु का देवता भी बनाया जाता है। इससे भगवान विष्णु सहमत हुए और उन्होंने यमराज को स्वस्थ करके उन्हें मृत्यु का देवता घोषित कर दिया। इस तरह से यमराज को यमलोक मिला और उन्हें दक्षिण दिशा का दिक्पाल भी कहा जाता है। वहीं महाभारत में पांडवों में ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर का जन्म भी यमराज के द्वारा ही हुआ था। कुंती ने यमराज का आवाहन करके युधिष्ठिर को प्राप्त किया था। यमराज की जुड़वा बहन यमी, जो कि एक नदी है, सभी को एक ना एक दिन यमराज के सामने खड़ा रहना पड़ता है। इसीलिए अगर सूर्य देव के पांच पुत्रों में सबसे शक्तिशाली पुत्र को माना जाए तो वह यमराज ही है।